हिमाचल को भूल ही गए, तो अगर एक स्टेट हार भी जाए दो स्टेट मैनेज भी कर, बिल्कुल मेरे दिमाग में यही चीज चल रही थी कि अनिला जी सेलिब्रेशन में आपका कोई सानी नहीं है, ये बात तो मैं भी मानूंगा। हिमाचल को हिमाचल की हार दब जाए के लिए गुजरात का सेलिब्रेशन इतना बड़ा हो गया, एक मंच पर ऐसे दिग्गज चेहरे एक साथ आकर सेलिब्रेट करते थे, ऐतिहासिक थी भी। देखिए गुजरात की जीत अलग भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, 150 का आंकड़ा पार करना है। कांग्रेस एक स्टेट बीजेपी से छीनी, वो बता भी नहीं वो हाँ, और उसमें बोल दिया कि वोटिंग परसेंटेज देख लो आप 40-41 क्या, वो फर्क ही नहीं है, कोई आसपास ही है, जनता ने बराबर से। तो मैंने ये 2:1 जो कहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई एकाध चली भी जाती है तो मुझे लगता है 2 का सेलिब्रेशन आप इतना बड़ा कर देंगे कि वो तीसरा जो है वो चर्चा में ही ना आ पाए। नहीं नहीं निश्चित रहिए, तीनों के तीनों आएंगे। और जहां तक हिमाचल, जबकि आज हमें हिमाचल या गुजरात की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं होता, पर फिर भी हिमाचल का विषय आ गया है, तो हिमाचल में तो ये लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम का आधार लेकर ये सत्ता में आ गए हैं, और हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कितने दिन ये इस प्रकार से सरकार चला पाएंगे, क्योंकि 80% तो ओल्ड पेंशन स्कीम में चला जाएगा, तो ये राज्य किस प्रकार से चलाएंगे। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया, ओल्ड पेंशन को अभी आगे भी उठाया जाना, छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आपका ओल्ड पेंशन पे स्टैंड क्या थोड़ा लचीला हुआ है, या आपका स्टैंड बरकरार है कि आप लोग ओल्ड पेंशन के खिलाफ रहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो आप डिलीवर कर सकते हैं प्रॉमिस वही करना चाहिए, केवल ये है कि झूठ झूठ के आधार पर आप सत्ता में आ जाएं तो वो झूठ जो है कितने दिन चल सकता है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर आ तो गए हैं, तो हम भी देख रहे हैं ना, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और अभी तक तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में स्टैंड पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो डेफिनेटली अभी तक तो वही है जो पहले हमारा स्टैंड रहा है, जो आप डिलीवर कर सकते हैं आप वही प्रॉमिस करिए ना, आप कैसे कैसे कर पाएंगे आप। मतलब देखिए मैं जो हूँ एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ कि जो सब सरकारी नौकरियों में रहे हैं, तो मैं एक चीज जानती हूँ कि आप सरकारी नौकरियों के जो बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो कोई सीनियर अधिकारी हो, वही प्रॉमिस करिए जो आप डिलीवर कर सकते हैं। पर ये जो झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी आई है, ओल्ड पेंशन पर, ओल्ड पेंशन को डिलीवर नहीं किया जा सकता, ये बीजेपी का स्टैंड है, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ये तो आप जिम्मेदारी से इसका जवाब तो दे सकते हैं, क्योंकि इस पर तो बकायदा मंथन हुआ होगा, आप लोगों को भी बताया गया होगा पार्टी का स्टैंड क्या है। ओल्ड पेंशन को बीजेपी डिलीवर नहीं कर सकती, आप ये कह रही? जैसा कि मैंने अभी अभी ये कहा, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, क्योंकि आप दोबारा ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर कोई भी बदलाव इसमें आता है, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो हमें कोई बदलाव इसमें दिखाई नहीं दे रहा, और आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, आप अभी इसको एडमिट कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो देखिए ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। परंतु मैं फिर एक बात कहूंगी कि ये वही वही सरकार है कि वन रैंक वन पेंशन लेकर आए थे, तो जो डिलीवर कर सकते हैं वो आप फायदा करिए, झूठ और फरेब के आधार पर आप एक बार, कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ सकती है, तो हिमाचल में इन्होंने अपनी काट की हांडी चढ़ा ली है, तो ठीक है हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये राज्य को संभालेंगे,